बाम सेफ से हैं, तो बाम सेफ क्या है और बाम सेफ कैसे काम करता है बहुजन समाज को जोड़ने का, उसके बारे में बताएं। बाम सेफ जो है डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को फैलाने का एक माध्यम है। मानव साहब काशीराम पूना में DRDO में जब सर्विस किया करते थे, जब वो अम्बेडकर मूवमेंट से जुड़े तो उन्हें पता चला कि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा गए थे और वहाँ 10 लाख से ज़्यादा की भीड़ को उन्होंने संबोधित करते हुए अपने जीवन का अनुभव शेयर किया था। उनकी ये वेदना थी कि मैंने अपने जीवन के गोल्डन 30 ईयर्स इस पढ़े लिखे समाज को शिक्षा में, नौकरी में आरक्षण दिलाने के लिए खर्च किए, क्योंकि मेरी ऐसी सोच थी कि जिस तरीके से मैं पढ़ लिख कर समाज को कुछ दे पा रहा हूँ, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी तो समाज का उद्धार जल्दी हो जाएगा, परिवर्तन जल्दी हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी वेदना के साथ, बड़े दुख के साथ ये कहा था कि इस मूवमेंट में, इस तंबू को जो मैंने लगाया है, मैं इस बम्बू की तरह लगा हूँ और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये बम्बू हिल रहा है और मुझे कोई नहीं लगता कि इस बम्बू को कौन संभालेगा, अगर मैं निकल गया तो इसको कौन संभालेगा। मुझे पढ़े लिखे लोगों से बड़ी आशा थी लेकिन वो मेरी आशा के अनुरूप खड़े नहीं उतरे हैं। जब ये बात मानवर साहब काशीराम ने सुनी तो उन्होंने तुरंत अपनी नौकरी को छोड़ा और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि बाबा साहब के जाने के बाद जो बाबा साहब की कमी समाज को हुई है, मैं घर घर जाकर 1000 अम्बेडकर तैयार करने का काम करूँगा। और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बड़े त्याग और तपस्या के साथ लोगों को तैयार किया और बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने में, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को पहुंचाने में उन्होंने अपना योगदान किया। पदम सिंह जी, आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना समय दिया। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।